केंद्रीय कैबिनेट वालों नवी सिक्ख्या नीति नूं प्रवानगी मात भाषा च होवेगी पंजवीं तक की पढ़ाई। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कैप्टन सरकार ते लगाए बरगाड़ी बेअदबी मामले च राजनीति करन दे इल्जाम। सुखबीर वालों यूएपीए तहत कीतियां गिरफ्तारियां ते धमकी देण दे मामले ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सख्त प्रतिक्रिया, कहा कोई भी गिरफ्तारी गलत नहीं हुई। हरियाणा च टिड्डी दल दे मुड़ दाखल होण तो मालवे दे किसान चिंतित। सतिकाल दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है, मैं भावना। बुलेटिन दी शुरुआत करदे इस वड्डी खबर दे नाल। केंद्रीय कैबिनेट ने नवी सिक्ख्या नीति नूं प्रवानगी दे दित्ती है। इस नवी नीति विच स्कूली सिक्ख्या तो लैके उचेरी सिक्ख्या तक कई बदलाव कीते गए ने। केंद्रीय कैबिनेट ने पंजवीं तक की पढ़ाई मात भाषा विच करवाउण दे फैसले ते मोहर लगाई है। नवी नीति तहत हुण उचेरी सिक्ख्या संस्थावां च सिर्फ इक्को प्रबंधक होवेगा। डिग्री कोर्सां च दाखले लैण अते छड्डण तों बाद विद्यार्थियों लई कई रस्ते होणगे। नवी नीति तहत एम ए अते डिग्री प्रोग्रामां तों बाद एम फिल नूं खत्म कर दिता जाएगा। कौमी सिक्ख्या नीति च 1992 च 102 सी। इस तों इलावा केंद्रीय कैबिनेट ने एच आर डी मंत्रालय का नाम बदल के सिक्ख्या मंत्रालय रख दिता है। इस तों इलावा स्कूली पाठ्यक्रम कटा दिती जाएगा अते 6वीं जमात तों वोकेशनल सिक्ख्या शुरू कर दिती जाएगी। श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे ते सीनियर अकाली नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों बरगाड़ी बेअदबी कांड ते सियासत करन दे इल्जाम लगाए ने। डॉक्टर चीमा ने कहा कि बरगाड़ी बेअदबी केस एक गंभीर मामला है, इस नाल सिखां दीआं भावनावां जुड़ियां होईआं ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सवाल कीता है कि कौड़ी समर्था विच अफसरां नूं यूथ कांग्रेस नूं रिपोर्ट करन वास्ते कह रहे ने। इस दे नाल ही डॉक्टर चीमा ने गिरफ्तार कीते डेरा प्रेमियां नूं इक हफ्ते दे अंदर ही जमानत मिलन ते वी सवाल उठाए ने। उन्होंने इस नूं डेरा प्रेमियां ते कांग्रेस सरकार विचकार गंढ तुप करार दिता है। पंजाब के यूएपीए दी तहत कीतियां गईयां गिरफ्तारियां ते सुखबीर सिंह बादल वालों दित्ती धमकी संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दित्ती है। उन्होंने कहा कि वह देश की एकता ते अखंडता की राखी लई साने ढुकवें कदम चुकणगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली दल दे प्रधान दीआं धमकियां उन्हां नूं लोकां दी सुरक्षा यकीनी बनाउण तों नहीं रोक सकदियां। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जेकर सुखबीर बादल दे दावे अनुसार पुलिस वालों किसी नौजवान नूं गलत ढंग नाल गिरफ्तार किया गया है तां बेलोड़ी बयानबाजी दी थां ते इसदी सूची उन्हां नूं भेज सकदे ने। राजस्थान तो हरियाणा च मुड़ दाखल होए टिड्डी दल कारण मालवा खेतर दे मानसा बठिंडा मुक्तसर ते फाजिलका जिलिया दे किसानां दी चिंता फिर वध गई है। भावें किसानां नूं खेतीबाड़ी विभाग ने सुचेत कर दिता है अते समें समें हरियाणा दे खेतीबाड़ी विभाग नाल वी संपर्क साध्या होया है। इस नाल ही खेती माहर हवा दा रुख मालवे वाले पासे ना होण कारण हाल ही दी घड़ी स्थिति नूं खतरे तों बाहर दस रहे ने। उंज खेतीबाड़ी विभाग ने किसानां नूं स्प्रे वाले ढोल तैयार करन दा सद्दा भी दित्ता है। गिदड़वाहां दे पिंड वासियां दा उस वेले खुशी दा टिकाणा नहीं रहा जदों उन्हां नूं पता लगा कि राफेल लेउण वाले 6 पायलट्स च गिदड़वाहां दा रणजीत सिंह भी शामिल है। रणजीत सिंह दे स्कूल च इस खबर तों बाद जशन वर्गा माहौल देखण नूं मिलिया ते स्कूल दे प्रिंसीपल ने कहा कि सानूं रणजीत सिंह ते माण है। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਇਕੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। इस मौके स्कूल दे मौजूदा प्रिंसिपल ने कहा कि अज स्कूल दा हर विद्यार्थी उन्हां ते गर्व महसूस कर रहा है। उन्हां दस्या कि रणजीत सिंह ने साल 1999 दे विच 12वीं पास कीती ते ओह एनडीए दे विच चला गया। साल 2000 दे विच एनडीए च सिलेक्ट होण तों बाद 4 साल दी ट्रेनिंग लैण तों बाद ओह इंडियन एयरफोर्स दे विच विंग कमांडर बनिया। पहली गल तां मैं सारे मालवा फैमिली नूं इस चीज़ इस गल की वधाई देना चाहुंदा कि साडा पढ़ाया एक स्टूडेंट अज बहुत ही उचाइयां छू रहा है, तां इह इक बहुत ही माण वाली गल हुंदी है एक टीचर वास्ते एक स्कूल वास्ते जदों कि उन्हां दा पढ़ाया बच्चा जिंदगी च अपना नाम रोशन करदा है, अपने स्कूल दा नाम रोशन करदा है, शहर दा नाम रोशन करदा है।
रणजीत सिंह एक अजिहा विद्यार्थी सीगा जो कि बड़ा ही डिसिप्लिनड लड़का सीगा, बहुत ही फ्रेंडली नेचर दा सीगा। ते उनू मैं अपने स्कूल दे करियर च कदे किसे नाल कोई लड़ाई झगड़ा करदे नहीं देखिया सीगा। ते मैनू अज बड़ा मान महसूस हो रहा है कि वो बच्चा साडे देश दा नाम रोशन कर रहा है, ते इस इलाके दा नाम रोशन कर रहा है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਸਰ, ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਂ? ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਾਇਕੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੀਨਸ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਏਕ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਅਭੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਮੇਂ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੇ ਏਕ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਜੋ ਏਕ ਰਫੇਲ ਕੋ ਉੜਾ ਕਰ ਯਹਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। रणजीत सिंह 87 से लेके 99 तक इस स्कूल में पढ़े। स्कूल से 12वीं क्लास पास करने के बाद NDA का उन्होंने एग्ज़ाम दिया और NDA में उनका सिलेक्शन हुआ। NDA की ट्रेनिंग के बाद एयरफोर्स एकेडमी गए और उसके बाद एयरफोर्स में कमीशन हो गए। उनकी ट्रेनिंग हुई है एज अ फाइटर पायलट, जिसको बोलते हैं कि ही इज़ एन एस पायलट, एक माने हुए जांबाज फाइटर पायलट हैं, और इसीलिए उन्हें ये सम्मान दिया गया कि जो 6 टोटल ऑफिसर्स गए हैं उनमें से एक वो हैं जो कि इन जहाज़ों को उड़ाकर यहाँ पे लेके आ रहे हैं। पूरे स्कूल के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, बड़े ही फख्र की बात है। हमारा पूरा स्कूल, हमारे पूरे विद्यार्थी, पूरा स्टाफ, हर कोई इस बात से अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे एक एक्स स्टूडेंट ने इतना बड़ा फीट अचीव किया है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सम्मानित करने का प्रोग्राम है। हमारा एनुअल डे नॉर्मली हर साल 8 दिसंबर को होता है। अभी तक हमारी प्लानिंग के इस साल भी हम करेंगे, यदि तब तक ये जो कोरोना संकट अभी चल रहा है ये तब तक अगर ख़त्म हो गया तो 8 साल भी 8 दिसंबर को ये फंक्शन होगा, और उस फंक्शन में हम विंग कमांडर रणजीत सिंह को बुलाएंगे। यदि किसी कारण से वो थोड़ा सा डिले करना पड़ा तो जब भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी पहला मौका मिलता है, हम उन्हें स्कूल में बुला के सम्मानित करेंगे और चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे उनसे मिलें और उनसे मोटिवेट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 775 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 52,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 49,931 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 775 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 15,83,792 ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 34,968 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
हालांकि लोग कोरोना तो ठीक भी तेजी नाल हो रहे ने अते 10,20,582 लोग ठीक हो चुके ने, जिस दे बाद हुण 5,28,000 लोगों का हस्पतालां दे विच इलाज चल रहा है। जबकि सब दे नाल नाल हर रोज कोरोना दे मरीजां दी गिनती भी तेजी दे नाल वध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ते सी हुण तक दीआं खास खबरां, वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो दैनिक सवेरा दे नाल।